गुरमीत चौधरी और देविना बॉनर्जी की बेटी को जन्म के 5 दिन के बाद ही हो गई थी ऐसे बड़ी बीमारी। आखिरकार देविना बॉनर्जी और गुरमीत चौधरी ने अपने फैंस से क्या कुछ किया है शेयर, चलिए पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं सृष्टि आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। वल भारती सिंह के साथ साथ देविना बॉनर्जी भी माँ बनी थी और उनकी बेटी का नाम रख लिया है देविना ने लियाना। वल अपने फैंस से अपने जिंदगी से रूबरू कराते रहती हैं देविना बॉनर्जी यूट्यूब ब्लॉग्स के साथ। वहीं देविना बॉनर्जी ने एक वीडियो शेयर किया है अपनी बेटी लियाना को लेकर। वल आए दिन अगर हम बात करें तो देविना अपनी बेटी के साथ बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोस पोस्ट करती ही रहती हैं, लेकिन रिसेंटली ही देविना ने एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जिसके बाद कि फैंस बेहद ज़्यादा परेशान हो गए। जी हाँ, देविना बॉनर्जी ने यह शेयर किया कि उन्हें डॉक्टर के पास जाने में काफ़ी ज़्यादा देर हो गई और कहीं ना कहीं जब उनकी बेबी लियाना के आँखों को में पीलापन देखा गया तो देविना और साथ ही साथ गुरमीत चौधरी बहुत ही परेशान हो गए। और जब तक वो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उन्हें कह दिया कि देविना की बेटी लियाना को जॉन्डिस हो गई है। वेल, जॉन्डिस होने के दौरान देविना ने ये शेयर किया कि उनकी बेटी को इनक्यूबेटर में रखा गया था और उनकी आँखों पर पट्टी लगाई गई थी और सिर्फ डायपर पहनाकर उस लाइट वाले बॉक्स में रखा गया था, जिसके बाद कि जॉन्डिस के लेवल्स को कम होने के बाद ही देविना ने लियाना को एक बार फिर से अपने घर में वापसी कराई। जिसके बाद कि डॉक्टर्स का ये भी कहना था कि जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर न्यू बॉर्न्स को जॉन्डिस होने की संभावना होती है। वेल, आखिरकार लियाना की ये न्यूज़ सुनकर देविना के फैंस बेहद ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन जब देविना ने यह शेयर किया कि उनकी बेबी अब बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, तो देविना के फैंस की खुशी जाहिर हो रही थी। आखिरकार आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरी अपडेट को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।